और भाई क्या हाल है? सब बढ़िया। तो पिछले कुछ टाइम में मैंने जितने भी कीबोर्ड्स का रिव्यू करा है, हमेशा नीचे यार कमेंट आता था कि सार्थक भाई रेड गियर के शैडो ब्लेड गेमिंग कीबोर्ड का यार रिव्यू करो। तो मैंने कहा यार चलो फाइनली मंगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो इसको यार बढ़िया तरीके से अनबॉक्स करेंगे, इसके फीचर्स वगैरह को चेकआउट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ऊपर रेड गियर की ब्रांडिंग दे रखी है, यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं एंड बॉक्स देख लो कुछ ऐसा है। जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहली चीज मिलती है वो है क्विक स्टार्ट गाइड। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसकी हमें जरूरत है नहीं। बाकी यहाँ पर एक की कैप पुलर दे रखा है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर हमें एक रेड गियर का स्टिकर देखने को मिल जाता है, जिसको कि मतलब तुम कहीं पर भी चिपका के मजे ले सकते हो। और बाकी फाइनली यहाँ पर हमें हमारा कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। तो पैकिंग यार इन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी है। और हाँ, इसके नीचे भी एक चीज़ है, वो अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कीबोर्ड को निकाल लेते हैं एंड ठीक है, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं एंड जो लास्ट चीज़ है वो और दिखा देता हूँ। तो ये है इसका रिस्ट सपोर्ट। तो जी हाँ, इस कीबोर्ड के साथ में हमें रिस्ट सपोर्ट भी देखने को मिलती है। तो ये रही, एक तो मैं आप लोगों को यार इस कीबोर्ड की प्राइस के बारे में बता देता हूँ। जब ये कीबोर्ड आया था ना, तब ये बिकता था 2500 रुपीस का एंड अभी फिलहाल ही अमेजोन के ऊपर 2200 रुपीस का चल रहा है। एंड उस हिसाब से जो फीचर्स इसके दिखा रखे हैं वो यार काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया लग रही है। ये जो टॉप फ्रेम है इसका, वो पूरा मेरे को यहाँ पर जैसे मैं छू रहा हूँ तो वो मेटल का लग रहा है एंड जो नीचे की साइड इसका पूरा बेस है वो यहाँ पर हमें प्लास्टिक का दे रखा है। सो ओवरऑल जो मतलब बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर दे रखी है वो यार काफ़ी ज़बरदस्त है। जो की कैप्स है इनकी भी यार क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी इसकी केबल क्वालिटी के बारे में बात करें तो यार केबल जो हमें इसके साथ देखने को मिल रही है वो अच्छी खासी यार मतलब लंबी सी केबल है एंड ब्रेडेड केबल है। तो हाँ, क्वालिटी को लेकर के आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केबल है। एंड जो इसके साथ में हमें यूएसबी कनेक्टर देखने को मिलता है, ये गोल्ड प्लेटेड है। अब इस कीबोर्ड के अंदर जो मेरे को सबसे ज़्यादा तगड़ा फीचर लग रहा है इसकी प्राइस के हिसाब से वो ये है, ये वॉल्यूम नॉब देख रहे हो, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है यार। 2200 रुपये का कीबोर्ड है, सोचो यार मतलब 2200 में तुम्हें वॉल्यूम नॉब मिल रहा है भाई। महंगे महंगे कीबोर्डों के अंदर मिलता है ये फीचर और आपको काफी सस्ते में दे दिया रेड गियर ने। बाकी चलो जल्दी से इसको पीसी में कनेक्ट करते हैं एंड आपको यूज करके बताते हैं एंड इसकी आरजीबी भी दिखाते हैं। तो कीबोर्ड को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया एंड बेसिकली इसके अंदर ना आपको आरजीबी जोन्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आरजीबी जोन्स का मतलब ये है कि आपको पर की आरजीबी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि जो ए लेटर है उसकी जो आरजीबी है उसको मैं रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, ब्लू कर दूं, तो वो चीज नहीं होगी। जिस कलर में वो जल रहा है वो उसी कलर में जलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, इतना जोन जो है इसके अंदर वो ग्रीन है, देन ऑरेंज, देन रेड, देन ब्लू, देन पर्पल एंड देन सियान हो गया, देन हमारे यहाँ पर ग्रीन हो गया। और बाकी हाँ, इसके अंदर भैया दुनिया भर के मोड्स दे रखे हैं, आप मोड्स यहाँ पर स्विच कर सकते हो, दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले एक कमाल की चीज तो दिखानी भूल ही गया, जो कि इसके साथ में आई थी, मैंने साइड में रख दी थी, जो कि इसका रिस्ट सपोर्ट। तो इसको अटैच करके दिखाता हूँ एंड वैसे इसकी भी क्वालिटी बढ़िया लग रही है, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि यूज कर रखा है। अब इसके रिस्ट सपोर्ट को लगाने के लिए आपको कीबोर्ड अपना ऐसे रखना है, ठीक है, एंड देन इसके नीचे आपको यहाँ पर इसको घुसा के सीधा प्रेस कर देना है। जैसे ये लिया, इधर से प्रेस एंड देन इधर से प्रेस, लग गया। एंड देन यहाँ पर आप अपनी रिस्ट को आराम से रेस्ट दे सकते हो एंड देन यहाँ पर अपनी गेमिंग, टाइपिंग जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब जब ये कीबोर्ड लॉन्च हुआ था तब रेड गियर ने कहा भैया इसका कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे ही चलाओ इस कीबोर्ड को। बट अब इसका सॉफ्टवेयर दे दिया यार रेड गियर ने। रेड गियर ने कहा यार तुम भी क्या याद रखोगे, दे देते हैं तुम्हें एक सॉफ्टवेयर। तो इसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी आ चुका है, जिसके थ्रू आप इसकी आरजीबी वगैरह चेंज कर सकते हो, मैक्रोस को सेट कर सकते हो, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बाकी आप कीबोर्ड के डायरेक्टली थ्रू यहां से भी इसकी आरजीबी को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली वही है यार, जैसे बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स के अंदर होता है कि आपको FN की को प्रेस करना है, देन यहाँ पर जो प्रिंट स्क्रीन वाला बटन है आप इसको प्रेस करो, देन यहाँ पर टोटल ना 22 स्पेक्ट्रम मोड्स हैं, देन उसके अंदर आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो। ये देखो अलग अलग RGB इफेक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ये स्टैटिक वाला हो गया मेरे हिसाब से। देन यहाँ पर प्रेस करें तो अच्छा ये ऑफ हो गया, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये ब्रीदिंग वाले मोड के अंदर आ गया है। तो ऐसे करके मतलब इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। अब जैसे ये देखो इस तरीके से चल रही है एंड देन इस तरीके से ऐसे बढ़ाओगे तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ऐसे करोगे तो ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही जैसे सब में दे रखा होता है एंड देन इसको आगे करोगे तो स्पीड तेज हो जाएगी, इधर बैकवर्ड करोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। और बाकी मस्त चीज़ है भैया इसका ये DJ वाला स्क्रोल वॉल्यूम व्हील, वो दिखाता हूँ। तो ये देखो इसके अंदर ना ये वॉल्यूम व्हील दे रखा है, इसको आप प्रेस करके प्ले पॉज भी कर सकते हो, मतलब गाने बज रहे हैं तो प्ले पॉज भी कर लोगे यार, मतलब और क्या चाहिए जिंदगी में। प्ले पॉज हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रही है, सिर्फ 2200 रुपीस में, कमाल ओपी। अब वॉल्यूम व्हील के अंदर देख सकते हो ये व्हाइट LED जल रही है, तो ये व्हाइट में ही रहती है, कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हो। अभी देखो ये स्टैटिक में जल रही है, दोबारा दबाऊंगा तो ये आ गई ब्रीथिंग मोड में, देन FN की को प्रेस करके दोबारा से इंसर्ट दबाऊंगा
तो ये बंद ही हो गई। ठीक है, तो ये तीन मोड्स है, एक स्टैटिक, ब्रीथिंग एंड ऑफ। अब आओ चलो इसके सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसके मैक्रोस को सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, देन यहाँ पर हमें इसकी एलईडी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप इसकी यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो एंड इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो बस सॉफ्टवेयर के नाम पर आपको इतना ही देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, बट हाँ एटलीस्ट कुछ तो मिल ही रहा है। बाकी अब चलो इसको लेके चलते हैं, इसके ऊपर टाइपिंग करके देखते हैं, गेमिंग करके देखते हैं एंड फिर आपको बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस हुआ। Later. भाई साहब बढ़िया, एकदम फुल आधे घंटे मस्त यहाँ पर गेमिंग करके आ रहा हूँ एंड जो एक्सपीरियंस रहा ना मेरा यार इस कीबोर्ड के ऊपर वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। बस यहाँ पर हाँ एक छोटी सी चीज मेरे को ये लगी कि यार इसका जो रिस्ट सपोर्ट है ये हल्का सा स्लिपरी है, मतलब ऐसा मत समझना कि बिल्कुल हाथ रखोगे मक्खन की तरह नीचे, ऐसा नहीं होगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ हल्का सा अगर थोड़ा सा रबराइज्ड काइंड ऑफ टेक्सचर होता तो अच्छा रहता इसके रिस्ट सपोर्ट के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं है, तो बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त इसके ऊपर यार गेमिंग कर पा रहा था मैं एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी यार अच्छा रहा इस कीबोर्ड के साथ, मतलब बढ़िया एकदम मजे आ गए। एंड इस कीबोर्ड के साथ में जो हमें यहाँ पर स्विचेस देखने को मिलते हैं वो ब्लू स्विचेस हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर चटर पटर वाली आवाज़ें करते हैं जब आप इसके ऊपर टाइपिंग वाइपिंग करोगे, गेमिंग करोगे तो मस्त चटर पटर वाली आवाज़ आती है, तो वो अगर बढ़िया लगती है तो ब्लू स्विचेस आपके लिए हैं एंड साथ ही साथ वो काफ़ी मतलब टैक्टाइल सी भी फील देते हैं। और बाकी चाहे टाइपिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो, अगर आपको कीबोर्ड थोड़ा सा एलिवेट करना है तो आपको इसके पीछे एलिवेशन फीड्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनको कि आप खोल के यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हो। ओवरऑल हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि वैल्यू बहुत तगड़ी ऑफर कर रहा है, चाहे भाई गेमिंग करनी हो या टाइपिंग करनी हो, दोनों ही चीज़ के हिसाब से जो फीचर्स हैं 2200 रुपीज़ के हिसाब से वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ब्लू स्विचेस एकदम बढ़िया, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है, वॉल्यूम व्हील मिल रहा है, रेस्ट सपोर्ट मिल रहा है, तो भाई और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में। तो भैया बाय बाय करना हो तो इसको बाय करने की जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अमेजोन की लिंक होगी, ट्रस्टेड वेबसाइट है एकदम बढ़िया, 2200 रुपीस का भी फिलहाल चल रहा है, बाकी लेटेस्ट प्राइस को चेकआउट करना हो या फिर बाय करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और बाकी जिसको भी यार वीडियो बढ़िया लगी हो तो आप भेजेजा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लाते रहते हैं। बाकी गाइस मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।